पूर्ण क्या है, पूर्ण से अर्थ क्या है, कौन है पूर्ण, पूर्ण का अर्थ क्या है। पूर्ण है जहां सब कुछ जाके पूरा हो जाता है, जहां के आगे केवल स्पेस और टाइम है, जहां शून्यता का स्टार्ट होता है, जहां पे जीवन और संहार, सृजन और संहार एक ही गोद में खेलते हैं, जहां पे जीवन और मृत्यु एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जहां पे शमशान और आपका और मेरा जीवन, हमारा जीवन की सभी स्टेजेस। अब नौ ही रस हैं, नौ ही रंग हैं। नवरसों के बारे में मैंने बहुत सारी बातें कही हैं और आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उसको जरूर सुनिए। नौ ही मां के नवरात्र हैं, नौ ही मां के रूप हैं, नौ ही आपके और मेरे जन्म के महीने हैं और नौ के बाद ही यानी नौवें महीने के बाद ही बरसी की जाती है मृत्यु के बाद। मृत्यु का भी पूरा जो चक्र माना गया है वो नौ महीने का माना गया है। मतांतर से सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, परंतु एक मत जो कहा जाता है वो नौ महीने के बाद ही बरसी कहा जाता है और नौ महीने के बाद ही जन्म होता है और नौ ही मां के रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिताः। तो अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है कि ये नौ दुर्गा, नव दुर्गा जो पार्वती के रूप हैं, यही पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। ईशानास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत्, और यही ऊर्जा के रूप में आप में और मुझ में विराजमान हैं। यही रूप हैं जो आपके जीवन की उत्पत्ति से लेके संहार तक, स्टार्ट से लेके एंड तक और एंड के बाद का शून्य स्पेस टाइम, जब हम स्पेस टाइम की बात करते हैं, स्वप्न आकाश जहां मृत्यु और जीवन, सृजन और संहार एक ही गोद में खेलते हैं, वो हिरण्यगर्भ, वो सेक्रेड वॉम्ब, वो आदिशक्ति, वो जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि का उद्भव हुआ, जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ, और वो ही आदिशक्ति जिसके कारण ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, जिसके कारण बिग बैंग हुआ। तो यहां कुंजिका सूत्र कहता है पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा, जहां पे जाके सब कुछ पूर्ण हो जाता है।